हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी बॉडी पर टैटू बनवाए हैं? क्या आपके शरीर पे कोई भी टैटू है? अगर है तो फिर आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर नहीं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लोग टैटू के पीछे पागल क्यों हुए पड़े रहते हैं? हिंदुस्तान में भी आजकल टैटूज को लेकर बहुत क्रेज है। आपको याद दिला दूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के पूरे शरीर पर अलग अलग तरह के टैटू हैं। उनका कहना है कि ये टैटू उन्हें इंस्पायर करते हैं बढ़िया परफॉर्म करने के लिए। क्या सच है कि ये टैटू आपको इंस्पायर करते हैं? ये टैटू आपसे कुछ कहते हैं? क्या है आजकल के टैटू का नया ट्रेंड? कैसे बनाया जाता है 3D टैटू? ये सारी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में। आपको बस देखते रहना है हमारे इस वीडियो को अंत तक। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो स्किल टैटू कहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर इस टैटू की खासियत क्या है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि अगर आपने सोचा है कि शरीर के किसी भी पार्ट पर लार्ज स्केल टैटू बनवाना है, तो आपको एक्सपर्ट की सलाह लेने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि इस तरह के टैटू के लिए डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है। अब जरा इस लार्ज स्केल टैटू को ही देख लीजिए, ये कितना शानदार लग रहा है। हालांकि इसे तैयार किया है अमेरिका के एक टैटू डिजाइनर को, पता चलता है क्या जबरदस्त आर्टिस्टिक वर्क है यार। किस तरह से आसमान से लेकर पहाड़, नदी और पेड़ बनाए गए हैं। वैसे भी लार्ज स्केल टैटू जेम्स जेमी की ताकत है। हालांकि आजकल इस तरह के टैटू हमारे देश में भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन मशीनों की मदद से। अब बात करते हैं 3D टैटू की। जी हाँ, अब तक तो आपने 3D में बनी फिल्मों के बारे में ही सुना होगा, लेकिन अब जमाना बहुत बदल गया है। दुनिया 3D टैटू तक पहुंच चुकी है। अभी यकीनन आपके मन में सबसे बड़ा यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर 3D टैटू में क्या होता है। दोस्तों, 3D टैटू भी लगभग 3D फिल्म की तरह ही होता है। जब भी आप 3D फिल्में देखते हैं तो आपको लगता है ना कि सब चीज आपके आंखों के सामने बिल्कुल आपके आसपास में हो रही है। ठीक उसी तरह 3D टैटू का भी कॉन्सेप्ट है, दिखा दिया है। वाह भाई वाह, आर्टिस्टिक वर्क हो तो ऐसा। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे टैटू सेंटर्स हैं जहां 3D टैटू को बनाया जाता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वहां भी इस तरह के टैटू बनाए जाते हैं कि नहीं। दोस्तों, कॉकरोच से तो ज्यादातर लोग डरते हैं। ये छोटा सा जीव है, लेकिन लोगों के मन में इसके लिए बहुत डर है। लड़कियां तो खास तौर पे कॉकरोच से प्यार करती हैं, डरती हैं। लेकिन इन लड़के लड़कियों को देखिए, गॉड नोज इनके मन में क्या विचार आया कि इन्होंने अपने सर पे ही कॉकरोच का टैटू बनवा लिया। ये देखिए किस तरह, पहले ये दोनों तरफ से टकला हो गया, उसके बाद इसने अपने सर पे कॉकरोच को बैठा लिया है। इसे देखकर हंसी भी आ जाती है और दुख भी होता है कि आखिर क्या सोच के भाई तुमने ये हरकत की है। मे बी लड़कियों ने इसका बहुत काटा है, और हो सकता है इसके मन में लड़कियों के खिलाफ बदले की भावना भड़क रही हो। लेकिन एक बात तो मशहूर है, इनके द्वारा बनाए गए टैटू इतने एक्सप्रेसिव होते हैं कि एक बार जब आप इन टैटू को देखते हैं तो आपकी नजरें इन टैटू से नहीं हटती हैं। ये डार्क टैटू कहलाते हैं, जिसका मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट शेड। इस टैटू के द्वारा लोग अपना स्ट्रगल दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वो वर्ल्ड में ये शो करना चाहते हैं कि डार्क टैटू वाले लोग दूसरों से कैसे अलग हैं। इनकी सोच सबसे डिफरेंट होती है। दोस्तों, आजकल टैटू स्टाइल का तरीका हो गया है। पॉल न सिर्फ डार्क टैटू ही बनाना जानते हैं, बल्कि हॉरर टैटू भी ये कमाल का बनाते हैं। ये देखिए इनके द्वारा बनाए गए कुछ हॉरर टैटूज। देखकर ऐसा लग रहा है मानो भूत सामने ही खड़ा हो। रात में अगर कोई छोटा बच्चा इन टैटू को देख ले तो सुबह तो रोता ही रहेगा। लेकिन आप यहाँ आर्टिस्टिक वर्क देखिए। हालांकि कुछ ही दिनों पहले किया है विनी नाम के इस टैटू आर्टिस्ट ने। ये बहुत ही आर्टिस्टिक टैटू आर्टिस्ट माने जाते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दुनिया भर में सारे टैटू आर्टिस्ट के बीच में इनकी इमेजिनेशन स्किल की बहुत तारीफ होती है। तभी तो इन्होंने इंसान के बाइसेप्स और फोर आर्म्स का इस्तेमाल करते हुए ये मूविंग चीज तैयार कर दी है। अब खुद ये देख लीजिए जरा, क्या शानदार काम किया है इस आर्टिस्ट ने। जब तक फोर आर्म्स फोल्डेड हैं, एक छोटी सी तितली नजर आती है, लेकिन जैसे ही फोर आर्म्स खुल जाएं, तो टैटू एक उड़ती हुई तितली नजर आने लगती है। ये देखिए किस तरह से विनी ने तैयार किया है ये टैटू। दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा।